टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट को जानने के लिए इस लाल बटन को दबा के गैबी फेलो को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ट्रूकॉलर एप्लीकेशन तो आप यूज करते होंगे, और नहीं जानते हो इस एप्लीकेशन के बारे में तो दोस्तों आज आप जान जाओगे इस वीडियो के थ्रू कि ट्रूकॉलर एप्लीकेशन क्या कमाल की चीजें करता है और क्यों ट्रूकॉलर होना चाहिए आपके मोबाइल डिवाइस पे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गैबी, आपका फेलो, और आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पे। और फिर चलिए करते हैं सीधी बात, शून्य बकवास। तो देखिए, सबसे पहले बात करें दोस्तों यहाँ पर ट्रू कॉलर एप्लीकेशन की, तो 250 प्लस मिलियन यूजर्स इसको यूज़ करते हैं, लेकिन हो सकता है कि आप उस 250 मिलियन प्लस यूजर में ना हो, तो कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है। सिंपल सा एप्लीकेशन है, फ्री एप्लीकेशन है, लेकिन दोस्तों बहुत ही काम का एप्लीकेशन है। तो अगर आप अभी अभी स्मार्टफोन यूजर बन रहे हो या फिर आपके पास कोई स्मार्टफोन आ रहा है, तो सबसे पहला काम आप ये करो कि आप अपने फ़ोन में ट्रू कॉलर एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो, क्योंकि दोस्तों फ़ोन का जो मेन पर्पज होता है वो ये होता है कॉलिंग, मतलब कि आप फ़ोन से या तो कॉल करते हो या फिर आपके फोन पे कॉल आता है और आप वहां पे कम्युनिकेट करते हो। और दोस्तों वहां पे कितना अच्छा होगा कि अगर ये एप्लीकेशन आपको बता पाए कि आपको कौन बंदा कॉल कर रहा है, किस लोकेशन से कॉल कर पा रहा है, क्या सही बंदा कॉल कर रहा है, आपको उससे बात करनी है या आपको उसको ब्लॉक करना है, ये सारी चीजें आप कर सकते हो सिंगल एप्लीकेशन के थ्रू। तो चलिए दोस्तों, यहां पे मैं आपको लाइव करके दिखाता हूं अपने फोन पे कि बेसिकली आपको कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप हम चालू करेंगे इस चीज को। तो देखिए दोस्तों, यहां पे सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जाना है आपके स्टोर में। तो आप अगर iOS यूजर हो या फिर आप एंड्रॉइड यूजर हो, आप स्पेसिफिक स्टोर में चले जाओ। तो मैं आपको दिखा रहा हूं एंड्रॉइड स्टोर पे करके। तो यहां पे आपको क्या करना है, सबसे पहले जाना है आपको प्ले स्टोर में, ये कर दिया मैंने यहां पे दोस्तों क्लिक, और यहां पे आपको सर्च करना है, ऊपर जा गया ट्रू कॉलर, ये आ गया यहां पे, और इसको मैंने कर दिया यहां पे इंस्टॉल। तो देखिए ये हो रहा है एप्लीकेशन इंस्टॉल, 17 MB का एप्लीकेशन है, मतलब बहुत ज्यादा स्पेस नहीं घेरेगा ये। तो देखिए दोस्तों, एप्लीकेशन ओपन करते ही सबसे पहले ये आ गया कि लव्ड बाय 250 मिलियन कस्टमर्स, मतलब कि 250 प्लस मिलियन कस्टमर ऑलरेडी इस एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं, मतलब आप समझ सकते हो कि इसके पास कितना ज्यादा डेटाबेस है। तो जैसा मैंने बताया कि ये क्या करता है, ये आपके फोन पे कोई भी कॉल आ रहा है उसको बता देता है कि ये जो स्पेसिफिक नंबर है ये किस बंदे का आ रहा है। और उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा दोस्तों, आपको ट्रू कॉलर को अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी, क्योंकि ये जो काम करता है, जैसा मैंने बताया था, ये काम करता है गिव एंड टेक फिलोसफी पे, मतलब आप इसको अपनी डिटेल दोगे तभी आपको दूसरे की डिटेल ला के देगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरू। तो देखिए यहाँ पे मैंने गेट स्टार्ट पे क्लिक किया, इसके बाद ये आपसे परमिशन मांगेगा। दोस्तों आपको ये परमिशन देनी है, अगर आप डिनाई करोगे तो आप ये एप्लीकेशन यूज नहीं कर पाओगे। उसके बाद इसको मेरे कॉन्टेक्ट्स के परमिशन चाहिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये लेके ही मानेगा, वो भी कर दिया अलाउ। उसके बाद जो भी मांग रहा है दोस्तों अलाउ कर लो इसको, क्योंकि उसके अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं। उसके बाद दोस्तों ये कॉल करेगा आपके नंबर पे, और फिर ये खुद ही वेरीफाई कर लेगा कि आपका जो फोन के अंदर नंबर है ये वही नंबर है या नहीं है। अगर आपको कॉल नहीं आ रही है तो यहाँ पे आप OTP ऑप्ट कर सकते हो, आपके फोन पे OTP आएगा, OTP क्लिक करके आप इस एप्लीकेशन को कॉन्फिगर कर सकते हो। तो चलिए ये इसने मेरी डिटेल ले ली, सारी डिटेल यहाँ पे आ गई, अब हम करते हैं इसको कंटिन्यू। यहाँ पे दोस्तों आपका नाम, नंबर, मोबाइल नंबर देना है, फोटो भी लगा सकते हो, तो ये मैंने कर दिया यस। उसके बाद दोस्तों कर देते हैं इसको नेक्स्ट। यहाँ पे कुछ क्लिप्स हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज कर सकते हो। और दोस्तों ये बस इतना सा काम करना है और ये हो गया एप्लीकेशन यहाँ पे लाइव। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बेसिकली मेरे जो भी कॉन्टेक्ट्स थे दोस्तों वो यहाँ पे आ गए, मतलब कि इसने सारे कॉन्टेक्ट्स मेरे सिंक कर लिए, और अब ये सारे कॉन्टेक्ट्स जाके सेव हो जाएंगे ट्रू कॉलर के सर्वर पे। तो यहाँ पे देखो आप मैसेजेस भी देख सकते हो, मतलब कि जो स्पैम वाले मैसेज है उसको इसने रेड अलर्ट किया हुआ है, और यहाँ पे देखो इस पर्टिकुलर मैसेज को इतने लोगों ने स्पैम किया हुआ है, तो ये आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा मैसेज काम का है कौन सा नहीं है। तो दोस्तों ये कमाल की चीज़ है, बेसिकली यहाँ पे आपको ये भी पता लग जाता है कि कौन सा बंदा अभी फ़ोन पे है, कौन सा बंदा फ़ोन पे कहीं बात कर रहा है, या कौन सा बंदा आईटेल बैठा है, तो उसको देख के भी आप ट्रैक कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग ही आप उसको कॉल कर सकते हो। इसके साथ ही सबसे जो फैंटेस्टिक चीज़ है इस एप्लीकेशन की वो ये है कि आपके नंबर पर कोई भी अननोन नंबर से कॉल आएगा तो ये सबसे पहले सर्च करके बता देगा, मतलब मैक्सिमम लेवल तक ये बता पाता है कि वो जो कॉल आ रही है वो किस बंदे की आ रही है, उसका नाम क्या है और किस लोकेशन से आ रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने कर लिया ट्रू कॉलर कॉन्फ़िगर। इसके बाद आपको इस एप्लीकेशन के अंदर कुछ नहीं करना, ये बैकग्राउंड में अपने आप रन करता रहेगा, तो इसको आप ले जाकर कहीं भी साइड में रख दो, बस ये आपके फ़ोन में रहना चाहिए। तो उसके बाद हम टेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पे मैं करता हूँ अपने नंबर पे कॉल और फिर देख लेते हैं दोस्तों कि क्या नाम निकल के आता है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने कॉल किया और ये मेरे फ़ोन पे कॉल आ रहा है, और यहाँ पे ये नंबर सेव नहीं है, लेकिन यहाँ पे ट्रू कॉलर ने पॉपअप दिया कि ये जो पर्टिकुलर नंबर है ये राकेश का है। तो इस तरीके से दोस्तों ये जिसका भी कॉल आएगा आपके पास ये बता देगा कि आपके फ़ोन पे कौन बंदा किस नंबर
से क्या नाम से कॉल कर रहा है। अगर आपको यहाँ पर ट्रू कॉलर से रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप जरूर करिएगा, मैं जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई करने का कोशिश करूंगा। और अगर आपको प्रोसेस नहीं पता तो ये प्रोसेस फॉलो करके आप ट्रू कॉलर को जल्दी से जल्दी अपने फोन पर इंस्टॉल कर लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो को करते हैं यहीं पर खत्म, आगे फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।